बिन फरसायक मारो चाप शबड़ लगता। ये कोई राक्षस विशाल पर्वत को उठाकर ले जा रहा है और अगर इसने ये पर्वत हमारी अयोध्या नगरी पर गिर दिया तो ये अयोध्या जलकर भस्म हो जाएगी, इसलिए मुझे इसमें बिना फण का बाण मारना चाहिए। जैसे ही बजरंगबली के बाण लगा, भगवान का नाम बजरंगबली के मुख से निकला, यही विधि राम। भरत लाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीना और तेहि पुनिए दारुण दुख दीना। जैसे मुझे प्रभु श्री राम से दूर कर दिया है ऐसे ही इसे भी शायद दुख मिला है। अगर मैंने अपने प्रभु राम की तन मन से सेवा की है तो हे प्रभु इसका दुख दूर हो जाए। सुनत वचन सीताराम उठ बैठ कपीसा, जय 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 ते कौशलाधीसा। हे भैया तुम कौन हो? को तुम तात कहा ते आए, आप कौन है? क्या आप श्री राम नहीं है, हमारे प्रभु नहीं है? नहीं भैया, मैं उनका छोटा भाई भरत हूँ। मैं आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो, आप कौन हो भाई? मैं भगवान श्री राम के चरणों का सेवक हनुमान हूँ, मेरा नाम हनुमान है। सारा वृतांत श्री बजरंगबली ने बताया। रावण और प्रभु राम में घोर संग्राम चल रहा है। संग्राम के प्रथम दिन रावण के जेष्ठपुत्र घननान ने शेष अवतार लक्ष्मण पर शक्ति का प्रहार। क्या भैया लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार? हे राम, हे प्रभु, मैं कितना अभागा हूँ जो मैं आपके किसी काम नहीं आ सका, और मेरा भाई लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है जो जिया तो भाई राम की सेवा में जिया, और आज मर भी रहा है तो भैया राम की सेवा में मर रहा है। मैं बड़ा अभागा हूँ
कम जाए दे और तीर मेरे मन को बनाए दे आप हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके बाण के ही समान सीकता से रामा दल में पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया, सीकता से जाओ। जय श्री राम। और इधर अर्धरात्रि का समय होने को जा रहा है, भगवान श्री राम श्री लखनलाल की शीश को अपने गोदी में रखे हुए श्री हनुमान जी की प्रतीक्षा में हैं। यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए, हनुमत के आते आते हनुमत के आते आते सूरज निकल आए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए। रास्ते में मैया के दर्शन हुए बजरंगबली को। मैया ने कहा नाथ हनुमान तनिक विश्राम कर लो, लेकिन बजरंगबली ने मैया से निवेदन किया, जाने दो मैया मुझको दम निकल न जाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न गई कपि नहीं आए, राम उठाए अनुज पूरी लाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न जाए, यो राम कह रहे थे कहीं वक्त टल न अर्धरात्रि बीत गई, लेकिन अभी तक हनुमान का कोई पता नहीं चल रहा।
ना जाने क्या कारण है, हनुमान अभी तक बूटी लेकर के क्यों नहीं आया।